नमस्कार, आदाब। मैं नजमा खान रूबरू में आपका स्वागत करती हूँ। कोविड-19 जैसी महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा था, वहीं पर अप्रैल के महीने में लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने अपना कब्जा जमाने के मकसद से भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। और इस तनाव के चलते हमारे सीमा पर 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या सचमुच गलवान घाटी पर चीनियों का कब्जा हो गया है? आइए मैप के जरिए हम जानते हैं कि ये भारत का कौन सा हिस्सा है जहां पर हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं और ये गलवान घाटी की हकीकत क्या है। ये है गलवान घाटी। देखिए, बीच में है गलवान नदी और ये वो जगह है घाटी की जहाँ पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जहाँ पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। ग़ुलाम रसूल गलवान ने 1899 में लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी और लद्दाख के आसपास कई नए इलाकों तक पहुँचा। इसमें गलवान घाटी और गलवान नदी भी शामिल थी। निग्ध लुटेरे का बेटा ग़ुलाम रसूल गलवान था। ग़ुलाम रसूल बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, वह एक चरवाहा था। बावजूद इसके उसने अंग्रेज साहब की मदद से अपनी पूरी कहानी को सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की किताब में दर्ज किया। 121 साल पहले गलवान नदी और घाटी उसी ने खोजी थी। 13 जून को जब खबर आई कि हमारे 20 जवान सीमा पर शहीद हो गए तो पूरे देश में आक्रोश का माहौल हो गया। सवाल ये उठता है कि जब चीनी सैनिक हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो क्या हमारी सरकार को खबर नहीं थी? क्या रक्षा मंत्री को यह खबर नहीं थी कि सीमा पर क्या हो रहा है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हो गए हैं? और अब क्या इन सब बातों का जवाब हमें मिलेगा? क्या इन सारी चीज़ों को हम पहले से पता करने पर रोक सकते थे और हमारे 20 जवानों की मौत हो गई है जो उसको रोका जा सकता था? 1962 में भारत चीन युद्ध लड़ाई करीब एक महीना चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। 1967 में नाथुला में चीन और भारत के बीच युद्ध में कई सैनिक मारे गए थे। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LSC पर चीनी सेना ने हमला किया था। भारत और चीन संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 1967 और 1975 की तरह ही होगा। वजह साफ है, 45 साल में इतनी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव नहीं हुआ है, पर दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया है। सीमा पर शहीद हुए हमारे जवानों की अभी चिता शांत भी नहीं हुई थी कि द हिंदू अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक खबर छापी कि गुरुवार यानी कि 18 जून को हमारे 10 सैनिक जो चीनी सैनिकों ने जिन्हें बंदी बना के रखा था उन्हें रिहा कर दिया है, जिनमें कर्नल और 3 मेजर भी थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सीमा पर सब कुछ सही चल रहा था तो इसके बावजूद हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए और ये 10 उनके कब्जे में कैसे गए? अब सवाल ये उठता है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना किस हद तक सही है, क्योंकि भारत में 50% से ज़्यादा सामान चीन से आता है। सन 2000 में भारत और चीन के बीच कारोबार सिर्फ $3 अरब का था, जो आज 2020 में बढ़कर 103.5 का हो गया है। यह तो बात रही सामानों की, लेकिन जहाँ तक सीमा का सवाल है तो क्या सीमा पर सब कुछ सही चल रहा है या फिर धीरे धीरे हमारे हाथ से बहुत कुछ फिसलता जा रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।